सो गाइज आई जस्ट रियलाइज कि हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं. आई कैन नॉट बिलीव इट, इट्स सो क्रेजी मेरे लिए. और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि यार नंबर्स मेरे लिए मैटर करते भी हैं और नहीं भी करते हैं. मैटर करते हैं क्योंकि यार मैं अभी यहाँ पर याद कर रहा हूँ कि जब मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि यार कोडिंग में और उसके बाद वो भी हिंदी में कितने ही लोग कोडिंग सीखते हैं और कितने ही लोग हिंदी में सीखते हैं और कितने ही वो स्पेसिफिक टॉपिक सीखते हैं जिनको मैं कवर कर रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला था कि यार इसको काइंड ऑफ हॉबी प्रोजेक्ट के तौर पर रखना. और मुझे याद है कि उसने मुझे बताया था कि यार इतना कुछ कॉमेडी एंटरटेनमेंट टाइप की ये चीज़ है नहीं. बट मैंने यहाँ पर उसके बाद भी कंटिन्यू किया था और उसके बाद की जो जर्नी में मुझे मज़ा आया बस सिर्फ सपोर्ट की वजह से आप लोगों के, और ये जो जर्नी में मुझे मज़ा आया इसके लिए मैंने कंटिन्यू किया. एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार ये आज का दिन मैं देखूँगा. और मैटर नंबर नहीं करते हैं क्योंकि यार मैंने जब ये स्टार्ट किया था चैनल, मैंने कभी ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि हम 100K हिट करेंगे या 1 मिलियन हिट करेंगे. बिलीव मी, शायद मैं अपना गेमिंग का चैनल एक स्टार्ट किया था वो मैंने सोच के किया था कि यार हाँ मैं कुछ ना कुछ माइलस्टोन हिट करूँगा उसमें. सो गाइस मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ पर मैं अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था जो कि IIT खड़गपुर में था. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मेरे बारे में. मैंने अपना कॉलेज कम्प्लीट किया, उसके बाद मैंने अपनी एक फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब स्टार्ट करी और ये यूट्यूब भी मैंने साइड साइड स्टार्ट किया. मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं और लास्ट ईयर ही मैंने 100K सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे हिट किए थे. और आई नेवर थॉट कि यार इतनी जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे. इट्स ऑल योर लव एंड सपोर्ट. यार आपके लव और सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है. बिलीव मी यार दिस इज़ क्रेजी फॉर मी, दिस इज़ वेरी क्रेजी फॉर मी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा. बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि यार ये सब हुआ. मैंने इस चैनल को एज अ हॉबी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था एंड इट स्टार्टेड टू बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल. लोगों को इतना अच्छा लगा और जस्ट बिकॉज लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे पता चला कि यार एक्चुअली में मैं लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैंने इसको और आगे स्टार्ट किया एंड हियर वी आर. मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने अपनी जो BTech और MTech 5 ईयर का डुअल डिग्री का प्रोग्राम होता है IIT खड़गपुर से कम्प्लीट किया है. और मैंने अपना काफ़ी जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं वो वहाँ से सीखी हैं. बट इट्स नॉट ओनली फ्रॉम IIT खड़गपुर की मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं. आई हैव बीन टू सनी बफेलो और मैं NUS जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जा चुका हूँ. मैं ताइवान में भी जा चुका हूँ 2 यूनिवर्सिटीज़ में और हांगकॉन्ग और लंदन, इन जैसी जगहों पर मैंने इंटर्नशिप करी. और वहाँ पर आई वॉज लकी इनफ, मैं कहूँगा आई वॉज लकी इनफ कि बिना पैसा खर्च किए मैं एक्चुअली में इतना कुछ सीख पाया. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू IIT खड़गपुर की यार मुझे वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि वहाँ से मैं इतनी सारी फॉरन इंटर्नशिप्स कर पाया. और आई वॉज़ लकी इनफ टू मीट प्रोफेसर जॉन एल गस्टफसन, या जिनको मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में उनको मिल पाऊँगा और मैं उनको मिला. तो यार मेरी लाइफ में तो यार मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि मैंने सोचा भी नहीं था ये हो पाएगा और वो मुमकिन हुआ है. लाइफ में मुझे वो देखने को मिला है. मैं प्रोफेसर जॉन एल गस्टफसन से मिला था और उन्होंने मुझे यही बात एक बोली थी. और आई थिंक ये सब चीज़ें सच हैं. और मेरी लाइफ में मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों ने गाइड किया है. मेरे पेरेंट्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने. मेरी फुल टाइम जॉब की बात करें तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे कंपनी में काम करता हूँ. और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि यार मैंने कौन कौन सी कंपनीज के इंटरव्यू निकाल रखे हैं. तो यार मैंने फैंग कंपनी से लेकर स्टार्टअप तक काफ़ी कंपनीज के इंटरव्यूज निकाल रखे हैं. और मैं यार अगर आप लोग कहोगे तो अपना एक्सपीरियंस डेडिकेटेड वीडियोज़ में शेयर भी कर दूंगा. अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम की. तो यार मेरी फुल टाइम जॉब है और उसी के साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी काफ़ी करता हूँ. और थोड़ा सा मेरा जो अप्रोच होता है फ्रीलांसिंग करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है. उसी के साथ साथ मैं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ और वहाँ भी जो मेरा अप्रोच होता है वो थोड़ा सा अलग होता है. मैं कभी आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो में बना के बता दूंगा. उसी के साथ साथ कुछ पर्सनल ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल और मेरे पापा के कुछ साइड बिजनेस वगैरह है उसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ. तो वहाँ से भी मेरा जो थोड़ा बहुत इनकम का है वो थोड़ा आ जाता है. अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ एफिलेट्स वगैरह की. एफिलेट मार्केटिंग मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ और मुझे काफ़ी ऑफर्स अभी भी आते हैं यूट्यूब चैनल के लिए ही आते हैं कि यार प्रमोशंस वगैरह के. तो अभी तक तो यार मेरा मन किया नहीं, बट इन द फ्यूचर लेट्स सी. हॉबीज़ की अगर बात करें तो यार मैं प्रोग्रामिंग और कोडिंग तो करता हूँ ऑब्वियसली, यार ये तो आपको मालूम ही होगा. और उसी के साथ साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे डांसिंग का शौक भी है और कुकिंग भी मैं करता हूँ थोड़ी बहुत. यार अब ये लिस्ट में लेके बैठ गया तो यार एंडलेस हो जाएगी, तो इसको मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ. चैनल के स्टैंड पॉइंट पे बात करूँ अगर कि आगे मेरे क्या प्लान्स हैं, तो यार मैं ज़्यादा प्लानिंग करता नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट. यहाँ पर मैं काम पर फोकस करता हूँ क्योंकि यार मैंने फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाने हैं वो मैंने भी सोच रखे हैं. और अगर मैं ज़्यादा अनाउंस करूँगा और बाय एनी चांस मैं अपनी जॉब में और जो मेरे प्राइमरी काम है उनमें ज़्यादा बिजी हो गया और मैं वीडियो डिलीवर नहीं कर पाया, तो यार मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है. बट मैं फोकस करता हूँ काम पर और मैं कोशिश करूँगा कि यार क्वालिटी को और थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में जल्दी से डिलीवर आप लोगों को करता रहूँ.
इसी तरह क्वालिटी कोर्सेज। सो थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यार, आई होप आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और आप लोग को मेरे बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। जितने भी लोगों ने कॉन्ग्रेट्स लिखा यार, दिल से थैंक यू। सो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।